देश के 57 नौकरशाहों और राजनयिकों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। चिट्ठी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राजकोट में दिए गए बयान का हवाला दिया गया। केजरीवाल ने 3 सितंबर को राजकोट में बयान दिया था कि पुलिसकर्मी और बूथ कर्मचारी गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करें। उन्होंने गुजरात में पुलिसकर्मियों और बूथ कर्मचारियों से आम आदमी पार्टी की जीत के लिए काम करने को कहा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई सड़क से विधानसभा तक पहुंच गई। नबन्ना चलो रैली के दौरान हिंसा को लेकर बीजेपी ने विधानसभा परिसर में मार्च निकाला। बीजेपी के प्रोटेस्ट मार्च के जवाब में टीएमसी भी बैनर लेकर मैदान में उतर आई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी ने नबन्ना चलो रैली के दौरान हिंसा को लेकर आजकल पश्चिम बंगाल में थानों का घेराव कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी अपना सियासी अभियान लगातार तेज कर रही है। हैदराबाद मुक्ति दिवस से पहले बीजेपी की महिला मोर्चा ने चारमीनार के भाग्यलक्ष्मी मंदिर से बाइक रैली निकाली। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। पार्टी की ओर से पूरे साल कई तरह के आयोजनों की प्लानिंग की गई है। केंद्र सरकार ने असम के 8 जनजातीय समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर पूर्वोत्तर में शांति के लिए एक बड़ा कदम बताया। जिन 8 जनजातीय समूहों के साथ समझौता किया गया वो 2012 से सीज फायर का पालन कर रहे हैं और असम के अलग अलग इलाकों में बने कैंपों में रह रहे हैं। इस समझौते के बाद उल्फा और कामतापुरा लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर करीब करीब सारे विद्रोही ग्रुप मुख्य धारा में लौट चुके हैं। सलमान खान पर हमले की कोशिश कर चुके गैंग ने उनके फार्म हाउस की रेखी की थी और साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये खुलासा तब हुआ जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नेपाल से पकड़े गए कपिल पंडित को भारत लाया गया। उसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने 3 लोगों के साथ रेखी की थी। वो फार्म हाउस के पास ही किराए के कमरे में रहते थे। फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती भी कर ली थी। सलमान खान कब किस गाड़ी से आते हैं, गाड़ी की स्पीड कब क्या होती है, सब कुछ पता लगा लिया था। सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। इस पूरे मामले की अहम कड़ी पिंकी ईरानी भी इस पूछताछ में नोरा संग मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान ये बात सामने आई कि सुकेश ने नोरा के जीजा बॉबी को 65 लाख रुपए की कीमत की BMW कार गिफ्ट की थी। ईडी की जांच और अपनी खुद की जांच से मिले सबूतों को देखने के बाद EOW के अधिकारियों ने नोरा फतेही से एक खास इवेंट को लेकर पूछताछ की। नोरा इस इवेंट का हिस्सा दिसंबर 2020 में बनी थी। झांसी में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर दिख रही हैं। सुखनई नदी में पानी के तेज बहाव से एक युवक बाइक के साथ बह गया। पुरानी माता मंदिर के पास बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था, उसी को पार करने के चलते यह हादसा हुआ। जल पुलिस और प्रशासन की रेस्क्यू टीम लापता बाइक सवार की तलाश कर रही है। गोरखपुर में 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरा है। निचले इलाकों में घरों के अंदर कई फीट तक पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। घर के अंदर रखा सामान तैरता दिखाई दिया। बारिश के बाद हुए जल जमाव ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। नाराज लोगों ने कहा कि अगर समय से नालों की सफाई होती तो शहर के ये हालात नहीं होते। एमपी के शिवपुरी में लगातार बारिश के चलते अटल सागर बांध लबालब हो गया था, जिसके बाद डैम के 6 गेट खोले गए। पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बांध से पानी निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। शिप्रा का जलस्तर बढ़ने से रामघाट पर बने मंदिर डूबने लगे हैं। कई मंदिरों के शिखर तक पानी पहुंच गया है। कई मंदिरों को सैलाब ने चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने से रोका जा रहा है। प्रशासन लोगों से गुजारिश कर रहा है कि नदी किनारे ही डुबकी लगाए। कई तैराक और रेस्क्यू टीम की तैनाती भी रामघाट पर की गई है। बिहार में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां शराबबंदी के बावजूद यहां शराबियों और शराब कारोबारियों की भीड़ है। शिवहर और सीतामढ़ी जिले की टीमों ने मिलकर छापेमारी कर
सीतामढ़ी में 2.5 दर्जन शराबी और कारोबारियों को गिरफ्तार कर करीब 60 लीटर शराब बरामद की। वहीं गिरफ्तार किए गए कारोबारियों में से एक आम आदमी पार्टी का स्थानीय नेता के रूप में उसकी पहचान की गई, हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। राजस्थान के दौसा में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी एक साल की बच्ची अंकिता। परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तो तुरंत प्रशासन को सूचना दी। बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रशासन ने जयपुर से SDRF की टीम को भी बुला लिया। बोरवेल 200 फीट का बताया जा रहा है, जिसमें करीब 60 से 70 फीट की गहराई पर मासूम अटकी हुई है। यूपी के उन्नाव में कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोर्ड हाईटेंशन तार से छू जाने पर 3 लोग झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। घटना आनंद एकेडमी नाम के इंस्टीट्यूट की है। कोचिंग का बोर्ड तेज हवा के झोंके से हाईटेंशन लाइन से छू गई, जिससे 3 लोग चपेट में आ गए। कोचिंग संचालक समेत 2 स्टूडेंट बुरी तरह झुलसे। आनंद फानंद में तीनों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें कोचिंग संचालक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और 2 छात्रों का इलाज चल रहा है। यूपी के बहराइच में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को दौड़ाया। जान बचाने के लिए युवक घनी आबादी के बीचों बीच एक घास फूस से ढके तालाब में कूद गया। हल्ला सुन तालाब के किनारे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने तालाब में फंसे युवक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और थाने ले गई। हनुमानगढ़ में किराना व्यापारी को फोन पर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती की रकम देने के लिए दिया था 7 दिनों का समय। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी किराना व्यापारी के जानकार बताए जा रहे हैं।